जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो मैं फिर से आपके लिए एक और वीडियो लाया हूं, वो भी इलस्ट्रेटर का ट्यूटोरियल। और इसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे आपको ट्रांसफॉर्म टूल को यूज़ करके वापस कोई छोटी सी डिज़ाइन बनानी और वो डिज़ाइन बैकग्राउंड में आप अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। तो अभी दो तीन वीडियो में आपको लगातार मैं ट्रांसफॉर्म टूल के ही लेके आया हूं, आई मीन ट्रांसफॉर्म इफेक्ट की। तो उससे क्या फ़ायदा होगा, उससे ये फ़ायदा होगा कि आप उस चीज़ को अपने बैकग्राउंड में यूज़ कर सकते हैं। तो अभी कुछ नया ट्राई करते हैं, चलिए शुरू करते हैं। तो अब क्यों मैं पॉलीगन यूज़ करूँगा, पॉलीगन, और मैं डायरेक्ट एक क्लिक करूँगा, ठीक है। और मुझे छः साइड नीचे के, मुझे सेवन साइड्स चाहिए, और ओके पे क्लिक कर दूँगा, ठीक है। इसको बीच में सेट कर लेते हैं। अब अपन को करना क्या है, इसके जो पॉइंट्स है उनको अलग अलग करना है, लेकिन सिलेक्ट भी रहना चाहिए। तो कैसे करेंगे, अपन को डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पर रहना है या फिर ए प्रेस कर दीजिए और ये एरिया एक साथ सिलेक्ट कर लेना है। तो ये तीन पॉइंट सिलेक्ट हो गए हैं, और यहाँ पे जो ऑप्शन दे रखा है कट पाथ एट सिलेक्टेड एंकर पॉइंट्स, इस पर आपको क्लिक करना है। तो ये सारे जो पाथ है वो कट हो चुके हैं, मतलब अलग अलग बढ़ गए, लेकिन फिर भी ज्वाइन है, ठीक है। इन दोनों को भी कर लेते हैं, और जो ऊपर दोनों के रह गए हैं इनको भी कर लेते हैं। अब अपन को क्या करना है, इन सबको सिलेक्ट करना है, इन सबको एक साथ सिलेक्ट कर लेना है, और स्ट्रोक में जाना है। अपन जाएंगे एरो हेड्स में, क्योंकि अपन को एरो यूज़ करना है आपकी बात, ठीक है। तो एरो अपन लेंगे, जैसे ये वाला ले लेते हैं, ये भी बेटर है, या फिर आपको जो इसमें अच्छा लग रहा हो, जो आपको पसंद आए वो भी आप ले सकते हैं, जैसे ये वाला भी ले सकते हैं अपन। तो ये बेटर लग रहा है, ये भी ले लीजिए। अब इसको ग्रुप करना है, ठीक है, कंट्रोल प्लस जी दबा देना, ये ग्रुप हो जाएगा। इफेक्ट में जाना, डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म में, और ट्रांसफॉर्म, ठीक है, वही चीज़ रिपीट करनी है अपन को। इसमें नया कुछ भी नहीं है, नया बस ये है कि डिज़ाइन नहीं है और कुछ भी नया नहीं है, ठीक है। इसको वही अपन कम कर लेते हैं, अप्रॉक्स 94 कर लेते हैं, और इसको भी 94 करने हैं, दोनों हमेशा बराबर होने चाहिए, तो आपको पता ही होगा। इसको थोड़ा इंक्रीज़ कर लेना, और यहाँ से जैसे आप इसको रोटेट करोगे तो आप देखेंगे वही डिज़ाइन अपन को मिल गई है। तो ऐसे आप करके हज़ारों डिज़ाइन बना सकते हैं, 1000 डिज़ाइन बना सकते हैं, इसमें कोई लिमिट नहीं है। तो इसको यूज़ करिए घर पे, और डिज़ाइन अपनी खुद की ट्राई करिए, इससे आपको खुद को कॉन्फिडेंस होगा कि आप कुछ भी एक नई डिज़ाइन बना सकते हैं, एक नया बैकग्राउंड क्रिएट कर सकते हैं खुद। बाकी आप इसको जितना चेंज करेंगे, जितना रोटेट करेंगे, उस हिसाब से रोटेट हो जाएगा और चेंज हो जाएगा। अभी मैं -8 पे छोड़ रहा हूँ और ओके कर रहा हूँ। अब लेकिन मैंने कई डिज़ाइन में आपको ये नहीं बताया कि इसमें अगर ग्रेडियंट यूज़ करेंगे तो कैसा लगेगा। अब इसमें ग्रेडियंट ट्राई करते हैं, ग्रेडियंट पर जाएंगे, डबल क्लिक करेंगे, यहाँ पे ग्रेडियंट वाला डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। जैसे आप ग्रेडियंट वाले टूल के ऊपर डबल क्लिक करते हैं तो, और इस पर सिंगल क्लिक करना है तो ग्रेडियंट इसमें अप्लाई हो जाएगा। तो ग्रेडियंट कितना अच्छा लग रहा है। अब इसको थोड़ा सा अपन चेंज कर लेते हैं अपने अकॉर्डिंग, और ऊपर जो दे रखा है अपन को रेड ग्रेडियंट लेना है, तो उससे वो और भी बढ़िया लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। बस इसको थोड़ा सा आपको अपने हिसाब से एडजस्ट करना है, और ग्रेडियंट एडजस्ट करना नहीं आता तो आप पुरानी वीडियो दे सकते हैं, उसमें मैंने अच्छे से समझाया कि ग्रेडियंट कैसे एडजस्ट करना है, ठीक है। और कलर अगर आप चेंज करना चाहें तो इस पर डबल क्लिक करना है, यहाँ पे आके HSB ले लेना, या फिर RGB ले लेना, या जो आपको अच्छा लगे, जिसमें आप कंफर्टेबल हो वो आप यहाँ ले सकते हैं। सैचुरेशन को फुल कर देना, तो आप देखेंगे वो वाला इफेक्ट उसमें हल्का हल्का सा नज़र आ रहा है। कलर्स को थोड़ा अपन ब्लूश करते हैं तो ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ठीक है। बाकी कलर्स की वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन से कलर पसंद है और कैसे आप यूज़ करते हैं उसको। और एक बार अपन ब्लैक वाले को गायब करके इसको यहाँ रखते हैं, क्योंकि वो आप देखें वो जो अपने डिज़ाइन बनी थी वो तो हट गई थी, और जो ब्लैक कलर है उसको अपने बीच में ला के ट्राई करते हैं। डबल करते हैं ना, के को फुल करते हैं, के मतलब होता है ब्लैक, ठीक है। तो यहाँ से वो बिल्कुल ऐसे फेडेड इफेक्ट मिलेगा आपको। तो ये चीज़ आप घर पे खुद ट्राई कर सकते हैं, बिल्कुल इजी है, बिल्कुल नॉर्मल है, इसमें नया कुछ भी नहीं है। बस नया ये है कि इसमें मैंने ग्रेडियंट यूज़ किया है, और आपको ग्रेडियंट यूज़ करना आता है अच्छे से, मैंने कई वीडियो में बताया भी है, तो वो आप अपने हिसाब से इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग, कीप डूइंग।